सम्मानित मंच, इस महंगाई हटाओ महारैली में लाखों की तादाद में राजस्थान और देश भर से आए हुए हमारे नौजवान साथी, किसान भाइयों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, साथियों, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश में जो अपार महंगाई हो गई है उसके विरोध में एक राष्ट्रीय महारैली का आयोजन किया है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में प्रदेश और देश भर से यहां उपस्थित हुए हो। महंगाई हटाने का जो संकल्प आज इस जयपुर शहर से जाएगा उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई देगी। और ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये मुद्दा पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस रैली के माध्यम से आने वाले समय की राजनीति को दिशा मिलेगी। वो लोग जो दिल्ली में घमंड और अहंकार से राज करते हैं, वो लोग जिनकी नीति और नियत दोनों खराब हैं, वो लोग जिन्होंने इस देश को अंधकार में धकेलने का काम किया है, वो लोग जिनकी नाक के नीचे देश की सीमाओं पर आक्रमण हो रहा है, वो लोग जो नशे में हैं सत्ता के, वो लोग जो कहते थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उन लोगों को यह संदेश जयपुर से जाना चाहिए कि आप लोग गद्दी पर हमेशा तक नहीं बैठोगे। आम आदमी की जेब पर डकैती डालने का काम आपने किया है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने की सामग्री, फल फूल, साग सब्जी, तेल जो भी बाजार में मिलता है उसकी कीमत आसमान छू रही है। उसके जिम्मेदार आप लोग हो, और आप लोगों को मजबूर होकर जैसे आपने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे उसी तरह आज की रैली को देखकर केंद्र की सरकार को सर झुकाना पड़ेगा और कीमतों में कमी लानी पड़ेगी। साथियों, देश में जो हालात बने पिछले 7 साल में, जो वादे जनता को किए गए थे उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, और काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती। आप लोग वोट लेते हो ध्रुवीकरण कर कर, लोगों को बांट कर, मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन देश आपसे थक चुका है और आज बदलाव चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, और आप लोग दे सकते हो। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और आने वाले 2-2.5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो 2024 में जो भाजपा और एनडीए का शासन का समापन होगा उसकी गूंज आज जयपुर से जाएगी। वो पूरा देश इस बात को मानेगा कि कांग्रेस की तिरंगे के साथ भाजपा को हराना संभव है। साथियों, महंगाई आसमान छू रही है। भाजपा के किसी एक नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण लाएंगे, कोई झूठा आश्वासन देने को तैयार नहीं है। सब लोगों को लगता है कि देश की जनता की वोट हमारी जेब में है, लेकिन लोकतंत्र में नौजवान और किसान और आम व्यक्ति की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। लोकतंत्र में संस्थानों को खोखला करने का काम इस सरकार ने किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने पूरी तमाम कांग्रेस पार्टी को एकत्रित कर आज जयपुर में इस महारैली का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, राजस्थान का, तमाम नेताओं का, जिन्होंने आप सबको आह्वान कर यहां पर आमंत्रित किया है। बहनों और भाइयों, राजस्थान उस मिट्टी की पहचान है जहां पर समर्पण भाव से, एकजुटता से 36 कौम को साथ लेकर हम बड़े से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और देश में आज राजस्थान जयपुर से संदेश जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग आज देख रहे हैं कि वो सरकार जो दिल्ली में बैठकर शासन कर रही है उसके दिन पूरे हो गए, और इन लोगों को, जिन लोगों ने वादे खिलाफी करी है, जिन लोगों की नाक के नीचे किसानों को कुचला जा रहा है, उन लोगों की उल्टी गिनती चालू हो गई और जयपुर से चालू होगी। आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने जो संदेश कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश में फैलाया है उसका परिणाम ये आएगा कि हम लोग इस सरकार को मजबूर करेंगे कि आप महंगाई हटाइए, नहीं तो देश की जनता भाजपा को दिल्ली से हटा देगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दोनों हाथ खड़े कर बताइए कि देश की सरकार बदलने के लिए तैयार है, और वो शुरुआत जयपुर से होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इतनी तादाद में आए। आपका स्नेह, आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।